की गत बी की गत से 20% अधिक है, बी की गत सी की गत से 25% अधिक है। अगर 600 मीटर की दौड़ में ए सी को यक्स मीटर से हराता है तो यक्स का मान ज्ञात करें। ये चार ऑप्शन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। साथी एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से लगाने का प्रयास करें दोस्तों, फिर इसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, तीन लोग दौड़ने वाले हैं, ए बी और सी। इसका मतलब ए बी और सी तीन लोग हैं दोस्तों साथी। ए जो है वो बी की गति से 20% अधिक है। अब देखिए दोस्तों, अगर 20% अधिक होता है कोई मान तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 6/5, 6/5 होता है दोस्तों। और कोई मान अगर 25% अधिक होता है तो 25% का क्या मतलब होता है दोस्तों, 25% वृद्धि, इसका मतलब 5/4 होता है। ये आपको दोस्तों साथी ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 120/100, और इसका मतलब हो जाएगा 125/100। अब आप काट पीट करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों। वैसे तो ये ऑलरेडी पता होना चाहिए दोस्तों साथी। प्रतिशत में हम आपको हर एक पॉइंट बता चुके हैं, समझा चुके हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, गति इसका मतलब चाल कह रहा है, चाल चाल के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, ए की जो गति है वो बी से 20% अधिक है, इसका मतलब बी की गति अगर 5 रही होगी तो ए की गति 6 रही होगी दोस्तों साथी, तभी तो ये जो है बी से 20% अधिक होगा दोस्तों। आगे कह रहा है बी की गति सी की गति से 25% अधिक है, इसका मतलब सी की गति अगर 4 रही होगी तो बी की गति 5 रही होगी, तभी तो 25% अधिक होगा बी सी से। अब देखिए दोस्तों, आगे कह रहा है अगर, अब देखिए दोस्तों हमको चाल मिल गया। हम आपको रेस में पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, चाल और दूरी का जो अनुपात होता है, चाल और दूरी का जो अनुपात होता है, अगर टाइम सेम लगता है तो बराबर होता है। इसका मतलब दूरी क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, यही सेम दूरी भी हो जाएगी दोस्तों, यही क्या हो जाएगी दोस्तों, दूरी भी हो जाएगी। इसमें आपको डाउट या डिफरेंट नहीं हो, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, अगर 600 मीटर की दौड़ में ए जो है सी को एक्स मीटर से हराता है, इसका मतलब है दोस्तों साथी, ए जितने टाइम में 6 मीटर जाता है, सी उतने टाइम में 4 मीटर जाता है। इसका मतलब 6 मीटर की रेस में कितने मीटर से हरा दे रहा है, तो 2 मीटर से हरा दे रहा है ए सी को। इसका मतलब अगर 6 मीटर की रेस ए दौड़ रहा है तो सी को हरा रहा है 2 मीटर से। तो बताइए दोस्तों, जब 600 मीटर दौड़ेगा तब कितने मीटर से हरा देगा, इसका मतलब 600 मीटर बराबर, तो 600 मीटर बराबर 2/6 इंटू क्या कर लेंगे दोस्तों, 600, इससे ये काट देंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 100, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 200 मीटर। इसका मतलब है दोस्तों साथी, अगर 600 मीटर की रेस कराई जाएगी तो ए जो है सी को 200 मीटर से हरा देगा। तो वही तो कह रहा है कि बता दीजिए यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 200 मीटर। इसका मतलब यक्स का मान निकालेंगे तो 200 मीटर आ जाएगा दोस्तों। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे दोस्तों साथी।